हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टाइलिश प्रियंका आज की वीडियो जो है मीसो साड़ी हॉल पे होने वाली है फेस्टिवल बिल्कुल लाइनअप है एकदम फेस्टिवल एंड वेडिंग सीजन एकदम लाइनअप हो चुके हैं नवरात्रि है फिर वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा करवा चौथ है दिवाली है बहुत सारे फंक्शन आने वाले हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए साड़ियों में कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ इसमें से कुछ कलेक्शन ऐसा है जो आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी मुझे मैसेज भेजे थे कि इस कोट का आपको रिव्यू देखना है तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है सुपर अफोर्डेबल प्राइस में है स्टार्टिंग प्राइस जो है आज के हॉल की जो है 180 रुपीस से स्टार्ट है एट हंड्रेड समाइन हंड्रेड रुपीज के अंदर ही आज का सारा कलेक्शन होने वाला है तो देखते हैं जैसा इमेज में दिखाया गया है क्या हमें वैसी ही साड़ियां मिली हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग उनकी क्वालिटी कैसी है हमेशा की तरह ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ कि आपको किस साड़ी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए किस में नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए किसकी क्वालिटी कैसी है सब कुछ डिटेल में बताती हूँ कितने हाइट तक को ये साड़ियां आने वाली हैं वो भी मैं हमेशा बताती हूँ तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा चलिए बहुत ही ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से अपना वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि आपके सामने ही अनबॉक्सिंग भी करने वाली हूँ तो अनबॉक्सिंग वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है लेकिन उसमें बहुत ही मज़ा आता है एक सस्पेंस सा होता है और फर्स्ट इंप्रेशन मैं अपना देती हूँ कि हाँ ये साड़ी कैसी लग रही है तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से शुरू करते हैं अभी तक मैंने किसी को भी ओपन नहीं किया है इन साड़ियों को चलिए और एक एक करके ओपन करते हैं तो फर्स्ट सबसे बड़ी पैकेट यही नज़र आ रही है तो इसे ही ओपन करते हैं फटाफट से लुक। और लुक की अगर बात की जाए जो दिख रहा है तो बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी इसमें से निकलने वाली है ऐसा लग रहा है थैंक गॉड जो ऑर्डर किया था वही आया है बहुत ही खूबसूरत सा वाइन एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन होने वाला है फर्स्ट इंप्रेशन में ये साड़ी बिल्कुल डिक्टो वैसी ही है जैसा इमेज में दिखाया गया था मैं यहाँ पे इमेज स्क्रीन पे लगा दूँगी जिससे आपको एग्जैक्ट uh, अंदाज़ा हो जाए कि मैंने कौन सी साड़ी ऑर्डर की थी वाह साड़ी लग रही है बिल्कुल ये देखिए फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत लग रही है पहले जो है इसके आंचल पोर्शन से शुरू करेंगे इसमें से ये पेपर मैं निकाल देती हूँ बहुत ही आवाज़ कर रहा है मीशो पे सेल आ चुकी है आपको पता ही होगा छः अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है तो इस सेल का आप ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा मुझे तो ये सारी साड़ियाँ थोड़ी सी महंगे में महंगी प्राइस में मिली हैं आपको बहुत ही कम और अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाली है फ्रेंड्स इसका आंचल ये है ये मजेंटा एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है कांजीवरम सिल्क साड़ी है जाहिर सी बात है ओरिजिनल कांजीवरम नहीं है उसकी रेप्लिका है लेकिन बहुत ही प्रिटी लग रही है इस तरह से आपको बॉर्डर मिल जाता है और पूरा ग्रीन कलर की इसमें बूटियाँ बनी हुई हैं इसके आंचल में इस तरह से इसका आँचल है पूरा फुल विविंग का काम है मैं आपको बैक से दिखाती हूँ कोई भी धागा मैस आपको नहीं नज़र आएगा पीछे के साइड में भी आपको बूटियाँ ही नज़र आने वाली हैं और ये इस तरह से पूरी साड़ी में आपको यह बॉर्डर मिलने वाला है और इस तरह से आपको पूरा जाल वर्क वाला डिजाइन मिलता है इस कांजी सिल्क साड़ी साड़ी में बहुत ही प्रिटी साड़ी है इसका जो फैब्रिक है बहुत ही सॉफ्ट है बिल्कुल भी कड़कपन नहीं है शाइनिंग अच्छी है और इसमें जरी का जो काम किया गया वो चमकीला वाला गोल्डन नहीं है सटल डाउन सा गोल्डन है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसका पैटर्न और डिजाइन देखिए कितना प्यारा भरा हुआ वर्क आने वाला है तो फेस्टिवल में बहुत ही प्रिटी लगने वाला है यहाँ तक आप इसे करवाचौथ में भी पहन सकती हैं बहुत ही खूबसूरत लगेगा दिवाली में दुर्गा पूजा है बहुत सारे फेस्टिवल हैं वेडिंग फंक्शन में आप इसे कैरी कर सकती हैं बहुत ही बहुत ही प्रेटी लगने वाला है इस जरी वर्क में भी आप देखिए फ्रेंड्स बीच बीच में आपको ग्रीन कलर का काम जो नजर आ रहा है ना बिल्कुल मीनाकारी जैसा काम नजर आता है आप पास से देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इस पर डिजाइनिंग की गई है नीचे के साइड में आपको इस तरह से बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है मैं आपको इसका बैक साइड भी दिखा देती हूँ इस तरह से इस पर पूरा फुल विविंग का काम किया गया है लेकिन ऐसा नहीं है कि धागे आपस में उलझे हुए हैं ऐसा नहीं है साड़ी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही है साड़ी की लुक भी बहुत ही प्रिटी लग रही है इसकी जो प्राइस है आज के हॉल में सबसे महंगा पीस यही होने वाला है एट हंड्रेड थर्टी फोर रुपीज की यह साड़ी है फुल पैसा वसूल मटेरियल लग रही है देखते हैं आगे देखने के बाद ही अपने पैसे इन्वेस्ट करिएगा इन्हें कि सिर्फ आधी वीडियो देखी और फटाफट से अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिया एक लाइन सुनने पर ही पूरी इसकी लेंथ देख लेते हैं पहनने के बाद मैं बताती हूँ कि इसकी चौड़ान कितनी है कितने हाइट तक के लोगों को आने वाली है साड़ी की लेंथ अच्छी लग रही है लेकिन पूरा फुल ऑन देख के उसी में ही मैं बताती हूँ कि कितने हाइट तक के लोगों को आने वाली है ये है इसका ब्लाउज ब्लाउज़ भी बहुत ही खूबसूरत दिया जैसे ग्रीन कलर का एकदम बारीक बूटियों वाला आँचल था वैसा ही जो इन्होंने ब्लाउज दिया है बनने के बाद इसका लुक जस्ट वा आने वाला है जब ये ब्लाउज बन जाएगा आप इसका पास से बूटियाँ देखिए बहुत ही बारीक छोटी छोटी बूटियाँ हैं और ऊपर और नीचे के साइड में आपको ये बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है जिसे आप अपने स्लीव में अपने हिसाब से स्टाइल करा सकते हैं सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जिससे आप बहुत ही आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स की तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से इसका ट्राई ऑन देखते हैं देखते हैं पहनने के बाद इसका लुक कैसा आ रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं पहनने के बाद इस साड़ी का लुक कैसा आने वाला है पहनने के बाद बहुत ही प्रिटी लग रही थी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और बहुत ही आराम से बैठ जा रही थी ऐसा नहीं है कि आ, बिल्कुल भी, भी इसको प्लीट्स बैठाने में दिक्कत हो रही थी हाँ एक बार फ्रंट स्प्लीट बनाने के बाद हल्का सा आपको हाथों से प्रेस करना होगा उसके बाद प्लीट्स एकदम आराम से बैठ जा रही थी साड़ी की लेंथ अच्छी रखी इन्होंने साड़ी की जो चौड़ान है फाइव फ़िट फाइव इंच या फिर उससे कम हाइट वालों को ही ये साड़ी आ सकती है मेरी हाइट फाइव फ़िट सिक्स इंच है और इसे मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा ही टक करके पहना था विदाउट हील वो भी विथ स्लीपर मतलब लुक लेकिन बहुत ही अच्छा आ रहा है बस आपको यही ध्यान रखना है कि जिसकी भी हाइट फाइव फिट फाइव इंच है या उससे कम है वो ये साड़ी को आराम से खरीद सकता है क्वालिटी बहुत ही अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है फुल पैसा वसूल मटेरियल है और अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जैसा कि पहला प्रोडक्ट था आज के हॉल का सबसे हाई प्रोडक्ट था और अभी जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज के हॉल का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है। और मैंने इसे ओपन कर लिया था आ, मैंने सोचा था इतने कम प्राइस में खरीदा तो देख तो लूँ खोल के आया कैसा है तो मैंने इसे ओपन कर लिया था और ये है एक ज्वेलरी मैंने ऑर्डर की थी और ये इयर है ट्रेंडिंग इयर है मीशो पर काफी ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ही पसंद की जाती है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करूँ इस झुमके को इस फेस्टिवल में झुमका तो बहुत ही अच्छे लगेंगे किसी भी साड़ी पे बहुत ही प्यारे लगने वाले ये है ये झुमका बहुत ही प्रिटी है लाइट वेटेड है लुक इसका काफ़ी हैवी आने वाला है बड़ा बड़ा सा इसका ये गुम्बद सा सेप है नीचे बहुत ही बारीक बारीक काम किया गया मोतियों की डिटेलिंग है मल्टी कलर के स्टोन लगे हुए हैं इसमें रेड एंड ग्रीन कलर के और वाइट कलर के पॉल्स का काम है लुक बहुत बहुत ही प्रटी आ रहा है बहुत ही प्रटी लगने वाला है मैं किसी न किसी साड़ी के साथ आपको स्टाइल इस करके इसे दिखाने वाली हूँ बहुत ही प्रटी है और इसकी जो प्राइस है वन हंड्रेड समथिंग है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है और बहुत ही खूबसूरत झुमका है जिसे आप लहंगे पे साड़ी पे अनारकली के साथ स्टाइल कर सकते हैं हैं, बहुत ही प्रिटी लगने वाला है मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है क्वालिटी काफी अच्छी रखी है इन्होंने अब चलिए फ्रेंड्स फटाफट से नेक्स्ट पार्सल को ओपन करते हैं तो जो नेक्स्ट पार्सल मैं आपसे शेयर करने वाली हूं चलिए इसे भी ओपन करके देख लेते हैं और ये है वो साड़ी तो जो ऑर्डर किया था वही आया है फर्स्ट लुक में तो यही लग रहा है कि जो ऑर्डर किया है वही आया है मैं यहाँ इमेज साइड साइड में लगा दूँगी बहुत ही सस्ती साड़ी है ये और अगर साड़ी के अकॉर्डिंग बात की जाए ज्वेलरी पीस को छोड़ दिया जाए तो सबसे सस्ती साड़ी यही होने वाली है इसका पन्नी बहुत आवाज़ कर रहा है पहले मैं इसे हटाती हूँ और यह है वो साड़ी कॉटन की साड़ी आपको मिलने वाली इसके अंदर भी कागज़ है पहले वो निकालती हूँ बहुत ही कड़ा कागज है आप देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट कॉटन की साड़ी है और ये इसका जो स्टाइल इस है ना स्ट्राइप स्ट्राइप वाली डिटेलिंग है चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसका आंचल आपको दिखाती हूँ इसका आंचल पोर्शन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना खूबसूरत मल्टी कलर का है येलो है ऑरेंज है एंड पिंक कलर का इसमें इसमें इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन दिया गया आपको बीच बीच में जरी वाले लाइनिंग वाली स्ट्राइप्स डिटेलिंग दिख रही होंगी बहुत ही प्रिटी लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन तो जस्ट वाओ wow लग रहा है फेस्टिवल रेडी कलर है बिल्कुल और साड़ी का जो फैब्रिक की है कॉटन की साड़ी आपको मिलने वाली है वो जो जेपी कोटा वाला फैब्रिक आता है वही वाला फैब्रिक है है जो जो चेक चेक पैटर्न पैटर्न में सेल्फ इनका जो होता है, बिल्कुल जेपी कोटा वाला पैटर्न आपको मिलने वाला है मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ इस तरह से ये फैब्रिक फैब्रिक है की आप पास से देखिए कैसा इसका फैब्रिक है इस तरह से ये फैब्रिक आपको मिलने वाला है पूरी साड़ी में आपको ये स्ट्राइप वाली डिटेलिंग मिलने वाली है कलर बहुत ही फास्ट कलर चूज किया गया है जिसकी वजह से साड़ी का लुक बहुत ही प्रिटी आ रहा है जैसा इमेज में दिखाया गया था सेम वही कलर है वही पैटर्न है कोई भी अंतर नहीं नज़र आ रहा है पूरी साड़ी आपको ऐसे ही मिलने वाली है इस साड़ी को आप दिन भर पूजा में या किसी भी फेस्टिवल में दिन भर आराम से कैरी कर सकते हैं वेडिंग्स में भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं दिन भर हमें कुछ ना कुछ कैरी करना होता है तो अगर कुछ लाइट वेटेड में चाहते हैं तो आप इस तरह की साड़ियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं साड़ी की लेंथ देखने में तो अच्छी लग रही है देखती हूँ पहनने के बाद इसका लुक कैसा आ रहा है बहुत ही प्रटी साड़ी लगी मुझे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थ्री हंड्रेड रुपीज़ में और क्या ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थ्री हंड्रेड रुपीज़ के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो साड़ी साड़ी की क्वालिटी अच्छी है देखते हैं कितने हाइट तक के लोगों को आने वाली इसमें अलग से इन्होंने ना ब्लाउज़ की कोई डिटेलिंग नहीं बनाई हुई है मैं एक बार रफली साड़ी मेज़र कर लेती हूँ कि कितने मीटर तक की साड़ी मुझे लग रहा है इसी इसी में रनिंग ब्लाउज होगा इसी वजह से अलग से ब्लाउज की मार्किंग नहीं है तो मैं तो यही कहूँगी कि इसमें से आप ब्लाउज मत कट करवाइए और आपकी साड़ी की लेंथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी ओ माई गॉड सिक्स मीटर से भी ऊपर इतना मतलब सिक्स मीटर सिक्स मीटर मतलब साढ़े छः लगभग लगभग साढ़े छः मीटर तक की आपको ये साड़ी मिलने वाली है तो साड़ी की लेंथ तो जस्ट वाव है मतलब बहुत ही बहुत ही अच्छी लेंथ की साड़ी आपको मिलने वाली इसके साथ आप कोई भी रानी कलर का ब्लाउज पेयर कर सकते हैं येल्लो कलर का पेयर कर सकते हैं गोल्डन कलर का ऑरेंज कलर का इसके साथ टाई अप कर सकते हैं इवन इसके साथ आप ग्रीन कलर का ब्लाउज पेयर करेंगे तो और भी खूबसूरत लुक निकल के आएगा एकदम अलग सा लुक निकल के आएगा साड़ी की लेंथ तो जस्ट वाव देखते हैं पहनने के बाद इसका लुक कैसा आ रहा है और और ये है साड़ी का लुक पहनने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी वाइब्रेंट कलर है बहुत ही प्रटी कलर लग रहा है ऑरेंज एंड रानी एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया किसी भी एंगल से ये नहीं लग रही थी कि ये बहुत ही कम रेंज की साड़ी है सिर्फ तीन सौ की साड़ी है बहुत ही प्रिटी और साड़ी के फ्रंट प्लीट्स तो इतने ज़्यादा बन रहे थे जैसा मैंने बताया था कि लगभग लगभग साढ़े छः मीटर तक की साड़ी है साड़ी की लेंथ साड़ी की चौड़ान अच्छी है फाइव फिट सिक्स इंच तक के हाइट वाले आराम से कैरी कर सकते हैं मैंने इसके साथ ऑरेंज कलर का ब्लाउज कैरी किया के, आप इसके साथ रानी कलर का भी ब्लाउज कैरी कर सकते हैं लुक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी आ रहा था फुल पैसा वसूल मटेरियल ये भी साड़ी है अब बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की तो नेक्स्ट साड़ी एकदम छोटू से पार्सल में आया है चलिए देखते हैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि जो ऑर्डर किया है वही मिल जाए क्वालिटी तो हम बाद में देखेंगे कि कैसी आई है तो बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो ऑर्डर किया है वो मुझे मिल जाए और फर्स्ट लुक की अगर बात की जाए तो जो ऑर्डर किया था वही आया है बस बहुत ही छोटा सा फोल्ड करके इन्होंने साड़ी दिया है इस तरह से फर्स्ट लुक और फर्स्ट इम्प्रेशन की बात की जाए तो वाओ साड़ी है तो चलिए देरी किस बात की फटाफट से इसे भी ओपन करते हैं और देखते हैं वाव लग रही है ये भी साड़ी येलो एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में है फेस्टिवल में पूजा में बहुत ही अच्छी लगती है वेडिंग्स में भी आप हल्दी फंक्शन में इसे कैरी कर सकते हैं चलिए ओपन करते हैं पूरा फुल डिटेल देख लेते हैं पूरा बनारसी लुक पैटर्न में ही ये साड़ी है कुछ भी प्रिंटिंग नहीं है कुछ भी प्रिंटिंग नहीं है पूरा फुल वीविंग का काम है इसमें सबसे पहले मैं शुरू कर दूंगी इसके आँचल पोर्सन से और ये है इसका आँचल बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे पूरा इसमें जरी का वर्क का इस ट्राइप स्टाइप में आपको डिटेलिंग मिल जाती है बीच बीच में आपको ये बूटियां मिल जाती हैं गोल गोल सी इस तरह से ऊपर के साइड में आपको बॉर्डर की डिटेलिंग मिलती है और ये है इसका आंचल आप देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये आंचल इन्होंने बनाया है बहुत ही प्रटिया आंचल बनाया हुआ है नीचे के साइड का जो बॉर्डर है काफी ब्रॉड सा बॉर्डर आपको मिल जाता है और ये जो रेड कलर है ना एकदम ब्लड रेड कलर नहीं है प्रॉपर रेड एंड येलो कलर की साड़ी आपको मिलने वाली है इस तरह से और यहां से ये येलो कलर इसका येलो कलर बहुत ही प्यारा है आ, बिल्कुल हल्दी पीला कलर है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है थोड़ा सा आप कह सकते हैं इसमें मस्टर्ड का टिंच है बहुत ही प्रिटी साड़ी है पूरी साड़ी में आपको ये गोल गोल वाली बूटियां मिलती है। मुझे बूटियां इसकी बहुत ही अच्छी लग रही हैं मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ इसका विविंग का काम कोई भी धागा मैस नहीं है कुछ भी उलझा हुआ नहीं है आई थिंक कैमरे में ठीक से आ पा रहा हो इस तरह से इस पे वर्क किया गया है बहुत ही नीट एंड क्लीन विविंग का काम है साड़ी की क्वालिटी काफी अच्छी है साड़ी का जो फैब्रिक है फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी रखी है कड़क वाला नहीं है सॉफ्ट सी सिल्की फैब्रिक है नीचे के साइड में आप देखिए फ्रेंड्स इतना चौड़ा सा बॉर्डर की डिटेलिंग आपको मिल जाती है बॉर्डर भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया पूरा फ्लावर फ्लावर वाली डिटेलिंग बनी हुई है जिसकी वजह से मुझे बॉर्डर बहुत ही अच्छा लगा इसका साड़ी की लेंथ देखने में तो अच्छी लग रही है देखते हैं तो ट्राई ऑन करने के बाद ही पता चलेगा कि साड़ी में क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं साड़ी की चौड़ान देखते हैं ट्राई ऑन में मैं आपको बताती हूँ कितने हाइट तक के लोगों को आने वाला है और ये है इसका ब्लाउज प्रॉपर रेड कलर का ब्लाउज है और इमेजिनेशन की बात की जाए रहा तो पहनने पर लगता है बहुत, बहुत खूबसूरत लगने वाली है बहुत ही प्यारी लगेगी चलिए फटाफट से इसका भी ट्राई ऑन देख लेते हैं और सुपर अफोर्डेबल प्राइस में है अभी मुझे प्राइस एग्जैक्ट नहीं याद है आई थिंक फोर या फाइव हंड्रेड में है तो फुल पैसा वसूल मटेरियल तो लगी रही है लिए देखते हैं पहन के कैसी लगती है और इस साड़ी का लुक आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पहनने के बाद कैसा लग रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी लग रही है और काफ़ी सॉफ्ट सिल्क की फैब्रिक है इसकी तो एकदम आराम से आप इसे कैरी कर सकते हैं दिन भर कैरी कर सकते हैं किसी भी फेस्टिवल में पूजा में वेडिंग फंक्शन में येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन हमेशा एवर ग्रीन कॉम्बिनेशन होता है हमेशा ही अच्छा लगता है त्यौहारों में बहुत ही प्रटी लगता है साड़ी की लेंथ इन्होंने ठीक रखी है साड़ी की जो चौड़ान है फाइव फिट सिक्स इंच तक वाले आराम से कैरी कर सकते हैं और बहुत ही प्रिटी है प्राइस के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए टोटली वर्थ इट साड़ी है ये भी साड़ी फुल पैसा वसूल मटेरियल है अपने प्राइस को टोटली वर्थ इट करती है ये आ, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और साड़ियाँ कैसी आपको लग रही हैं वीडियो कैसी लगी है कमेंट डाउन ज़रूर करिए अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो है तो लाइक ज़रूर करिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब ओपन करते हैं इस पार्सल को और देखते हैं इसमें से क्या निकलता है देख लिया है जो मैंने ऑर्डर किया था वही मुझे मिला है येलो एंड बैगनी कलर के कंट्रास्ट में ये कलर कॉम्बिनेशन इस समय एकदम छाया हुआ है ट्रेंडिंग कलर कॉम्बिनेशन है चाहे सूट्स हो वनारकली हो लहंगा हो साड़ी हो मतलब हर जगह ये कलर कॉम्बिनेशन छाया हुआ है और अच्छा भी लगता है ऐसा नहीं है कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा है तो चलिए फ्रेंड्स इसे भी ओपन करके देख लेते हैं कि कैसी सब बहुत ही सस्ती साड़ी थी थ्री हंड्रेड एट्टी रुपीज़ समथिंग में है और आप देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट सा सिल्क है बहुत ही सॉफ्ट सा सिल्क का फैब्रिक आपको मिलने वाला है इस सबसे पहले मैं शुरू करूंगी इसके आंचल पोर्शन से आंचल में ही मुझे लगता है कि इसमें इन्होंने ब्लाउज भी उसी साइड लगाया हुआ है तो सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज ही दिखा देती हूँ और ये है ब्लाउज ब्लाउज आप देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है ब्लाउज बनने के बाद इस साड़ी का ग्रेस तो जस्ट वाव आने वाला है आप देखिए कितनी प्यारी बूटियाँ बनाई गई हैं सिल्क का फैब्रिक भी काफ़ी सॉफ्ट सा सिल्क है और इस पर जो बूटियाँ बनी हुई है फ्रेंड्स ना ये विविंग का काम नहीं है पूरा गोल्डन फॉयल प्रिंट का काम हो रखा है लेकिन फेस्टिवल में पार्टी फंक्शन में जस्ट वाव लगने वाला है और यहां से स्टार्ट होता है इसका आंचल ये है इसका आंचल पोर्शन आप देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत बॉर्डर की डिटेलिंग बनाई गई है बहुत ही पिटी बॉर्डर की डिटेलिंग है आंचल पर भी इस तरह से आपको ये डिटेलिंग मिल जाती है पूरी साड़ी आपको मस्टर्ड येलो कलर की मिल जाती है इस तरह से है और ऊपर के साइड में आप देखिए फ्रेंड्स कितना ब्रॉड सा बॉर्डर बनाया गया है बैगनी कलर में और नीचे के साइड में भी आपको उतना ही ब्रॉड सा बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है पूरी पूरी साड़ी में आपको ये फ्लावर प्रिंटिंग मिलेगी पूरा इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं और पूरी साड़ी में आपको गोल्डन फॉयल प्रिंट हो रखी है कुछ भी विविंग का काम नहीं है तो बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा फ्रेंड्स कि हाँ ये तो विविंग का काम लग रहा था लेकिन मैंने ऑर्डर किया तो विविंग का काम नहीं है विविंग का काम आई थिंक आप समझ रहे होंगे इस पर प्रिंट किया गया है जरी के धागे से काम नहीं किया गया है जो कि बनारसी सिल्क साड़ी में होता है ना जरी वाला पूरी काम होता है वो जरी का काम नहीं है मैं बैक से आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको हो जाए आप देखिए फ्रेंड्स बैक में आपको बिल्कुल प्लेन नजर आ रहा होगा कोई भी जरी का काम नहीं हो रखा है और फ्रंट में आपको ये प्रिंटिंग पैटर्न मिल जा रहा है इस तरह से है लुक इसका बहुत बहुत ही ज्यादा प्रिटी आने वाला है बिल्कुल आई कैचिंग आने वाला है पहनने पर साड़ी की लेंथ अच्छी लग रही है देखते हैं चौड़ान इन्होंने कितनी दी हुई है ब्लाउज तो मैंने आपको दिखाई दिया चलिए फटाफट से इसको भी ट्राई ऑन करके देख लेते हैं मेरे पास इस कलर का ब्लाउज नहीं है तो अगर इसका ब्लाउज जब बन जाएगा तो इसका लुक और भी अच्छा आएगा और ये साड़ी पहनने के बाद कैसी लग रही है कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा और ये है इसका फाइनल लुक ब्लाउज थोड़ा सा मिस मैच हो रहा है उतना नहीं मैच कर रहा है लेकिन यही सबसे ज़्यादा ब्लाउज मैच हो रहा था जो भी मेरे पास था और पहनने के बाद आप इसका लुक तो देख ही सकते हैं कि कैसा आने वाला है साड़ी की लेंथ इन्होंने अच्छी रखी है साड़ी की जो चौड़ान है फाइव फिट सिक्स इंच वाले एकदम वाल आराम से कैरी कर सकते हैं लुक और कलर कॉम्बिनेशन जस्ट वाओ मुझे लगा बैगनी एंड मस्टर्ड येलो का जो ये कॉम्बिनेशन आजकल चला हुआ है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया प्राइस uh, के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो टोटली वर्थ वर्थित साड़ी है uh, बस इसमें गोल्डन फाइल प्रिंट का है वर्क हो रखा यही आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स क्योंकि गोल्डन फाइल प्रिंट को ज़्यादा अटेंशन ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है नहीं तो प्रिंट आसानी से निकलने लगते हैं इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों यही थी मेरी आज की मीसो साड़ी हॉल की वीडियो लेटेस्ट साड़ियों का कलेक्शन आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक खुश रहिए मस्त रहिए बाय टेक केयर